शिक्षा क्रांति लाएंगे हम, आगे बढ़ते जाएंगे, ज्योति जगा कर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक जरोखा का पाठ 5 खाएं मौज मनाएं करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं पाठ 5 खाएं मौज बनाए। तो बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना ताकि आपको पता लगे कि इस पाठ में हमें क्या बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल शिक्षा क्रांति पर आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो शुरू करते हैं पाठ 5 खाएं मौज बनाए। स्कूल में फन डे। फन डे क्या होता है? मस्ती का दिन। आपके स्कूल में भी होता होगा। हम लगभग शनिवार को हम फन डे के रूप में बनाते हैं, और जो संडे होता है वो तो आपका फन डे होता ही होता है, मस्ती का दिन। आज कक्षा में बड़ी चहल पहल है। चहल पहल क्या होता है बच्चों? चहल पहल का मतलब आवागमन, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर है, कुछ ना कुछ कक्षा में हो रहा है। सभी बच्चे खुश हैं। तो सभी बच्चे खुश क्यों हैं हमें पता चलेगा आगे पढ़ेंगे तब। वे सब मिलकर फन डे मना रहे हैं। वे सारे के सारे मिलकर मस्ती का दिन मना रहे हैं, फन डे मना रहे हैं, इसीलिए सारे बच्चे क्या है, खुश है। कल ही सब ने तय कर लिया था कि वे अपने घर से मनपसंद खाना लाएंगे। तो आज जैसे मस्ती का दिन है, फन डे है, तो उसने पिछले दिन ही ये तय कर लिया था कि सारे बच्चे अपने अपने घर से बढ़िया बढ़िया खाना लेकर आएंगे, मनपसंद खाना लेकर आएंगे। वे अध्यापिका के साथ मिलकर खाना खाएंगे। तो उन्होंने क्या तय किया कि हम स्वादिष्ट बढ़िया मनपसंद खाना लेकर आएंगे और सभी बच्चे मिलकर अध्यापिका के साथ खाना खाएंगे। देखो, खाना खाने के लिए सब इकट्ठे बैठ गए हैं। तो देखिए, नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये अध्यापिका है नीचे, ये इधर अध्यापिका है, और इसके चारों तरफ बच्चे बैठे हैं जो अपने अपना खाना खोलकर बैठे हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं, और सारे के सारे चेहरे से पता लग रहा है कि सारे बच्चे बड़े खुश हैं। तो बच्चों, आपने भी कभी अपने टीचर के साथ खाना खाया है? हाँ, जब आप स्कूल में आओ इस बार तो ज़रूर बोलना कि सर या मैडम, हमें आपके साथ मिलकर खाना खाना है। तो जब टीचर के साथ नीचे बैठकर हम खाना खाएंगे तो हमें बड़ा मज़ा आएगा, है ना? तो इस बार करोगे ना, जब हमारे स्कूल खुलेंगे, अभी तो अपने स्कूल बंद है, जब स्कूल खुलेंगे तो अपने टीचर के साथ ज़रूर खाना खाना। अब देखिए, बच्चे क्या क्या चीज़ लेकर आए हैं। ये ऊपर ऊपर लड़का है, ये कह रहा है कि मैं पुलाव लाया हूँ। तो बच्चों, पुलाव बनता है ना आपके स्कूल में भी? पुलाव बड़ा टेस्टी होता है ना। हाँ, ये लड़की कह रही है मैं तो पूरी और आलू की सब्जी लाई हूँ। तो पूरी और आलू की सब्जी भी बड़ी स्वादिष्ट लगती है। मेरी माँ ने तो दाल चावल बनाकर दिए है। तो ये लड़का है, इसकी मम्मी ने क्या बना के दिए? दाल चावल बनाकर दिए है। मैं मिस्सी रोटी और खीरे का रायता लाई हूँ। कि मैं मिस्सी रोटी और खीरे का रायता लाई हूँ। इधर ये लड़का कह रहा है मैं चूरमा लाया हूँ। आहा, चूरमा सबको पसंद होता है ना, चूरमा बड़ा टेस्टी लगता है। उसके अंदर अच्छा घी डला होता है, मीठा डला होता है, और खाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। मैं पाव भाजी लाई हूँ। मैं राबड़ी लाई हूँ। तो राबड़ी आपने पढ़ी है बच्चों, आपने एक लेसन पढ़ा होगा जिसमें राबड़ी के बारे में बात की गई है। तो मैं राबड़ी लाई हूँ। मैं पूरी और साग लाया हूँ। तो ये बच्चा पूरी और साग लेकर आया है। मेरी माँ आज बीमार थी, इसलिए मैं कुछ नहीं लाया। तो देखिए, इस बच्चे ने क्या कहा कि मेरी माँ बीमार थी, इसलिए मैं कोई स्वादिष्ट खाना, मनपसंद खाना लेकर नहीं आया, क्योंकि बनाने वाला कोई और नहीं था घर में, तो उसकी मम्मी बीमार थी। अब देखिए टीचर क्या कहती है जब इसने कहा कि मेरी माँ बीमार थी। कोई बात नहीं,
मनोज, हम सब के पास बहुत खाना है, हम सब मिलकर खाएंगे। तो जब मनोज ने कहा कि मेरी माँ बीमार थी इसलिए मैं कुछ नहीं लाया, तो टीचर ने कहा कि कोई बात नहीं, हम सब के पास बहुत खाना है, हम सब मिलकर के खाएंगे। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं कि सुबह हमें क्या खाना चाहिए। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल में सुबह उठेंगे और नहाएंगे, कपड़े बदलेंगे और सीधे घर से स्कूल में आ जाते हैं। उनके मम्मी पापा भी बोलते हैं कि आज इन्होंने, इस बच्चे ने कुछ नहीं खाया। वो अपने बच्चे के साथ जिद भी करते हैं कि कुछ खा के चले जाओ, कुछ खा के चले जाओ, तो परंतु बच्चे नहीं खाते। और या तो वो साथ लेकर आते हैं, वो साथ भी नहीं लेकर आते क्योंकि स्कूल में खाना बनता है। तो जिन स्कूलों में खाना नहीं बनता वहाँ बच्चे साथ लेके आते हैं परंतु सुबह खाली पेट आते हैं। तो बच्चों, ये बहुत गलत बात है, सुबह हमें खाली पेट नहीं आना चाहिए, हमें नाश्ता ज़रूर करना चाहिए। नाश्ता करने से हमारे शरीर के अंदर एनर्जी आती है, हमारे शरीर के अंदर वो ताकत आती है जिसके द्वारा हम आगे दिन भर पढ़ाई करते हैं। जब हम सुबह नाश्ता नहीं करते तो हमारे शरीर के अंदर वो एनर्जी नहीं होती, वो जोश नहीं होता जो हमारे शरीर के अंदर होना चाहिए पढ़ाई करने के लिए। तो जब हमारे शरीर के अंदर वो एनर्जी, वो जोश, वो ताकत, वो हिम्मत, वो जज्बा नहीं होगा तो हम कैसे पढ़ेंगे? हमारे अंदर क्या होगी? कमजोरी महसूस होगी और हम आधा भी ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं दे पाते। तो इसलिए सभी बच्चे सुबह नाश्ता ज़रूर करके आए, जब सुबह उठे नहा के कपड़े चेंज करे उसके बाद थोड़ा सा खाना जरूर खाए, एक चपाती डेढ़ चपाती जरूर, ताकि हमारे शरीर के अंदर एनर्जी रहे जिससे हम ध्यान लगाकर पढ़ सके। तो बच्चों, अब आगे से ध्यान रखना कि जब हम सुबह आए तो खाना जरूर लेकर आए, नाश्ता ज़रूर खा कर आए, और हो सके तो जो दालें होती है उनका ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, आज बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।